नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी प्लस पर। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। एक स्टैंडर्ड टाइम इसके लिए 3 से 4 मिनट होना चाहिए बस, तो जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करो। स्टार्ट करते हैं, फिर तब तक बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे। क्लास छोड़कर मत जाइएगा अगर कुछ सीखना चाहते हो तो। कल कर चुके हो, कोई बात नहीं। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से ले लिया हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के बाद अगला क्वेश्चन लेंगे। 3 पजल टोटल मैं लेकर आया हूँ और सब इसी लेवल के हैं, जो मतलब इतने बड़े बड़े लेवल आपको दिखेंगे क्वेश्चन। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। कितने लोगों का हो गया भाई? नितिन जी मैं भेज दूंगा लिंक। चलिए तो इसको स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन कल मैं दिखा चुका हूं, प्लस क्लास में हो चुका था, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं। देर आर 8 एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी लिविंग इन 8-स्टोरी बिल्डिंग। Name of the employees are A, B, C, D, E, F, G, H. Each employee live on a different floor. Ground floor is numbered as floor 1. First floor is numbered as floor 2 and so on. Similarly, top floor numbered as 4. Kya? Floor number 8. They are from 8 different cities, namely Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bangalore, Pune, Patna, Hyderabad, but not necessarily in the same order. Ye to karwa chuka hu yaar. Chalo, koi nahi, kar lete hain fir se, koi baat nahi. तो यहां पर आपको दोस्तों क्या बोला गया, 8 फ्लोर है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, अब यहां पर आपको नाम दिए हुए हैं और सिटी के नाम दिए हुए हैं, तो यहां पर आप सिटी के नाम लिख सकते हैं। आगे आपको बोला एच इज फ्रॉम मुंबई एंड लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 2। एच जो है ये मुंबई से बिलोंग करता है और फ्लोर नंबर 2 पे रहता है। ठीक है, आगे आपको बोल रहे देर आर ओनली 3 फ्लोर बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम दिल्ली एंड एच। देर आर ओनली 3 फ्लोर बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम दिल्ली एंड एच, तो एच से 1, 2, 3 छोड़कर यहां पर दिल्ली को सेट कर दोगे। आगे बोल रहा है एफ लिव्स ऑन इमीडिएट अबव और बिलो ऑफ द फ्लोर ऑन विच दिल्ली, तो मतलब दिल्ली के ऊपर या नीचे में एफ वाला रहेगा, ऐसा बोल रहा है यहां पर। देर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम बेंगलुरु एंड एफ, बेंगलुरु और एफ वाले के बीच में एक पर्सन है। There are only one floor between the one who is from Bangalore and the one who is from Patna. Bangalore or Patna वाले के बीच में कितने floors होने चाहिए? Only one. आगे बोल रहा the one who is from Pune lives immediately below the one who is from Chennai. तो Chennai के just नीचे Pune वाला होगा. Just नीचे मतलब side में arrow. F is not from Chennai. F जो है ये Chennai से नहीं है. तो यहाँ पर F को ऐसे Chennai में ऐसे cross कर देंगे. C is from Kolkata. C जो है ये कोलकाता से बिलोंग करता है। A is from Hyderabad. A जो है ये हैदराबाद से बिलोंग करता है। But neither lives on top floor nor on the first floor. तो A जो है ये टॉप पे नहीं होगा और लास्ट पे नहीं होगा।
बी इज नीदर फ्रॉम चेन्नई नॉर फ्रॉम बेंगलुरु, बी जो है वो चेन्नई से नहीं है, तो चेन्नई में पहले क्रॉस कर दिए इसको, और बी को ऐसे बेंगलुरु में भी क्रॉस कर देंगे। एंड लिव्स ऑन द फ्लोर अबव ऑफ हु इज फ्रॉम पटना, मतलब पटना के ऊपर ही रहेगा कौन, बी वाला ऊपर रहेगा, पर जस्ट ऊपर है कि नहीं आपको नहीं पता। जितने लोग क्लास में मौजूद है भाई लाइक करना स्टार्ट कर दो फटाफट, अटेंडेंस मार्क करो, सभी को करना है ना। जी लिव्स ऑन इमीडिएट बिलो ऑफ बी, जी जो है वो बी के जस्ट नीचे रहता है। ई लिव्स ऑन द फ्लोर अबव ऑफ डी, ई जो है वो डी के ऊपर रहता है। ई लिव्स ऑन द फ्लोर अबव ऑफ डी, जी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली, जी जो है वो दिल्ली से बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पर जी को क्रॉस कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटीज चेक करना, तो पॉसिबिलिटीज कैसे चेक करेंगे, फिंगर रूल लगाएंगे। अब उसके हिसाब से अगर हमको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, पहले एफ की कंडीशन को चेक करते हैं, तो एफ ऊपर से और ये वाला, तो दो ही चीजें हैं आपके पास। कभी भी चेक करना हो अगर आपको एफ यहां पर दिख रहा है या फिर यहां पर दिख रहा है, तो आप ऊपर से देखोगे तो सबसे पहले ये दिख रहा है ना, तो इसी को पहले चेक करो, ठीक है। ऐसे कुछ भी बीच से रैंडमली नहीं लेना है, अगर नीचे यहां पर और यहां पर होता तो हम पहले ये वाले को लेते, नीचे से जो भी पहले आए या ऊपर से जो भी पहले आए। तो ये एफ और ये एफ जो दिख रहा है 8 7 6 5, तो भाई ये ऊपर से दिख रहा है ना आपको पास, तो ये सबसे पहले दिख रहा है, इसलिए इसको पहले चेक करेंगे, हमेशा ये चीज अप्लाई करना, ठीक है। अब देखो एफ को अगर मैं यहां पर रखता हूं तो आपको क्या पता है, एफ से एक छोड़ के बेंगलुरु होना चाहिए, मतलब कि बेंगलुरु यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब बेंगलुरु से एक छोड़कर आपको पटना सेट करना है। अगर देखो मैं पटना को नीचे सेट करता हूं, सपोज करो कि मैं पटना को नीचे सेट करता हूं यहां पर, तो क्या हो जाएगा भाई, चेन्नई और पुणे जो है ये मुझे यहां ऊपर और यहां पर रखना पड़ेगा, चेन्नई और पुणे मुझे यहां पर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और देखो दोस्तों इसके अलावा और क्या चीज है, इसके अलावा और क्या, पटना के ऊपर में आपको बी रखना था ना। अच्छा यहां पर अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ऊपर क्यों नहीं रख रहे हैं। देखो इस चीज को समझ जाओ कि अगर बेंगलुरु से मैं पटना को यहां पर रख दूंगा तो पटना के ऊपर बी है, ये देखो पटना के ऊपर बी है, और बी के जस्ट नीचे जी होना चाहिए था, ये देखो, पर वो तो पॉसिबल नहीं था ना, इसीलिए हमने बेंगलुरु से पटना यहां पर रखा, ठीक। तो चेन्नई यहां पर हो जाएगा और पुणे यहां पर हो जाएगा। अब जब आपको पता है ए हैदराबाद होना चाहिए, दोनों स्पेसेस खाली होनी चाहिए, पर ए तो यहां पर आ नहीं सकता, तो ए हैदराबाद को यहां पर रख दो, सी कोलकाता रखना है, सी कोलकाता को यहां पर रख दो, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपके पास क्या बचा हुआ है, बेंगलुरु पटना हो गया, बेंगलुरु एफ वाला हो गया, बी के जस्ट नीचे जी रखना है, सिर्फ यही जगह दिख रही है बी और जी के लिए, बी जी, बचा क्या आपके पास, ई और डी, ई डी, ये सॉल्व। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ट्राई करिएगा, अगर आप लोगों को कुछ भी थोड़ा बहुत भी डाउट है एक बार ट्राई जरूर करिएगा इसको बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों, इसको बनाओ फटाफट। अरे कल मैंने कहाँ एक्सप्लेन किया यार, ये वाला बनाओ ना, इसके बाद वाला जो है बड़ा वाला पैरेलल अरेंजमेंट उसको बनाना, फिर 5 मिनट लगेगा इसको, बना लो। सर आप बहुत तेज सॉल्व किए, तेज नहीं किया नॉर्मल ही किया, तेज तो फिर 1.5 मिनट 2 मिनट में हो जाता। देखो अगर आप लोग ना स्लो अगर बोलोगे ना, एक चीज को समझो, मैं अगर तेज पढ़ाऊंगा ना हो सकता है आपको 4 दिन समझ नहीं आएगा, 5वें दिन से समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को उस तरीके का बनाओगे कि आपको तेज समझ में आने लगे। और अगर मैं स्लो पढ़ाऊंगा ना तो आप भी स्लो ही बनाओगे, अपने आप को कंफर्टेबल मत करो किसी भी चीज पे, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलो, अपना कंफर्ट जोन को छोड़ दो कि सर फास्ट में समझ नहीं आता, ऐसा अगर सोचोगे तो कभी नहीं आएगा फास्ट में समझ, और ना फास्ट आप बना पाओगे। अगर आपको फास्ट बनाना है तो फास्ट आपको समझना भी पड़ेगा, तब तो फास्ट बनाओगे, क्योंकि बनाने से ज्यादा फास्ट क्या होता है, समझना, कि समझ रहे हो आप दिमाग से और बना रहे हो हाथों से, हालांकि दिमाग उसमें भी लगता है, बट फिर भी कोशिश करो, हो सकता है 4 दिन समझ ना आए, क्या क्या हो जाएगा यार, 4 दिन नहीं आएगा तो 5वें दिन तो आएगा, पर जिस दिन आएगा ना उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी।
चलिए डन के मैसेजेस आने लग गए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सॉल्व हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर आप बहुत जल्दी स्लाइड चेंज कर देते हो, हम नहीं बना पाते हैं, बाकी लोग बना लेते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। दोस्तों ये भी वही चीज है, इस चीज में भी मैं सेम वही एग्जाम्पल दूंगा कि अगर मैं आपको सफिशियंट टाइम दूंगा ना 5 से 7 मिनट का, अगर मैं आपको 5, 7, 8 मिनट का टाइम दूंगा ना बनाने के लिए, तो आप उसमें कंफर्ट हो जाओगे कि सर तो 5-7 मिनट दे रहे तो हम आराम से बनाते हैं। बट अगर मैं 2-2, 3-3 मिनट में स्लाइड चेंज करूंगा ना, तो आपको खुद में ये चीज फील होगा कि यार सर जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, मुझे थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तब मैं बना पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चेंज कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा मतलब आपको लो फील हो, यार मेरे से नहीं हो पाया और प्रैक्टिस करनी है, अगली क्लास में मुझे भी जल्दी बनाना। तो ये थोड़ा सा अंदर से आता है भाई, जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं उनके अंदर नहीं आएगी ये चीज। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देर आर 8 फ्रेंड्स नेमली आभा, ऋषि, तान्या, एकता, ज्योति, आक्षी, नितिन एंड कार्तिक सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसली इन द सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक सर्कल पर बैठे हुए हैं सब लोग, अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 लोग बैठे हुए हैं, बना लेते हैं भाई 8 लोग। क्या बोल रहा है यहाँ पर आपको, आपको बोल रहा है तानिया डज नॉट सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ कार्तिक, कार्तिक के सेकंड टू लेफ्ट में कौन नहीं है, तानिया नहीं है। आगे आपको बोल रहा है आरुषि सिट्स थर्ड राइट ऑफ आभा, आभा के थर्ड राइट में कौन बैठा है, आरुषि। आगे बोल रहा है आक्षी सिट्स ऑपोजिट टू ज्योति, आक्षी सिट्स ऑपोजिट ऑफ ज्योति, ठीक है। कार्तिक इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आरुषि एंड आभा, तो कार्तिक जो है वो आरुषि और आभा का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब ये जो कार्तिक है ये यहां पर नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा और यहां पर भी नहीं आएगा। आगे आपको बोल रहा है एकता डज नॉट सिट ऑपोजिट ऑफ आभा, एकता जो है वो आभा के ऑपोजिट में नहीं होगी, ठीक है। आगे बोल रहा है आपको नितिन डज नॉट सिट ऑपोजिट ऑफ आरुषि, तो आरुषि के ऑपोजिट में नितिन नहीं होगा, ठीक। नीदर ज्योति नॉर आक्षी इज इमीडिएट नेबर ऑफ आरुषि, आरुषि के नेबर में आक्षी और ज्योति दोनों ही नहीं होंगे। भाई किसके नेबर में बोल रहा है, यहां पर ध्यान से सुनना, ज्योति के नेबर में, ये ज्योति है ना, इसके नेबर में कौन कौन नहीं है, आक्षी नहीं है, तो भाई आक्षी तो इसके सामने है, तो नेबर कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ज्योति के बगल में बस आप आरुषि को लिख दो, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एकता एंड आक्षी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, एकता थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है ना, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ ना फास्ट फास्ट, फिर से पढ़ो, नीदर ज्योति नॉर आक्षी इज इमीडिएट नेबर ऑफ आरुषि, कौन सी कंडीशन गलत है, नीदर ज्योति नॉर आक्षी इज इमीडिएट नेबर ऑफ आरुषि। अच्छा आरुषि का नेबर नहीं है ना, ये भी आरुषि की नेबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है दोस्तों, अगर आरुषि इन दो इसके बगल में नहीं है, इसके बगल में नहीं है, मतलब कि यही जगह पे हो सकती है आरुषि, ये अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी है वो समझ सकता है भाई, सिंपल सी बात है ना। अगर यहां पर मैं आक्षी और इसको यहां पर रखता हूं, ये देखो मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, अगर मैं आक्षी को यहां पर रखता हूं, अगर मैं आक्षी को यहां पर रखता हूं और ज्योति को यहां पर रखता हूं, तो ना इसकी नेबर और ना इसकी नेबर, तो अगर इतने तीन जगह पे नहीं आ रही, इतने तीन जगह पे नहीं आ रही, तो सिर्फ यही लाइन तो बच रही है ना आने के लिए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा था यहाँ पर, तान्या डज नॉट सिट ऑपोजिट ऑफ कार्तिक, तान्या जो है ये कार्तिक के ऑपोजिट में नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई बता सकता है, आभा आरुषि से कर सकते हो आप स्टार्ट, या आक्षी ज्योति से भी कर सकते हो, दोनों ही कंडीशन बहुत बेस्ट है। तो आभा आरुषि वाले बहुत सारे होंगे, चलो इसी से स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गई आभा, 2 पर्सन छोड़कर यहां पर क्या हो जाएगा, आरुषि, ठीक है। अब आरुषि अगर हो गई, आपको पता है ना आरुषि ये वाली लाइन पे आने वाली थी, मतलब कि ये वाली लाइन ऐसी हो गई है,
तो ये लाइन ऐसी हो गई है, तो आक्षी और ज्योति के लिए कौन सी जगह हो गई, ये वाली हो जाएगी, आक्षी और ज्योति के लिए यही वाली लाइन होगी ना भाई, आक्षी ज्योति, ठीक है यहां पर भी लिख देता हूं मैं आक्षी ज्योति। अब यहां पर ना ध्यान देना है एक चीज का कि आपको ये आभा के बगल में कार्तिक नहीं होना चाहिए, आभा के बगल में कार्तिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कार्तिक को अगर आप आभा के बगल में नहीं रख सकते तो कार्तिक कहां पर जा सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये तीन जगह दिख रही है आपको। इस चीज को पहले मैं हटा देता हूं, ये वाली, ये कंडीशन हमारी हो चुकी है। क्या नो नो कर रहे हो यार, क्या गलत हो गया? आभा आरुषि, आभा आरुषि ठीक तो है, अरे तो मैं नहीं पढ़ा हूं ना अभी वो कंडीशन को, मैं भी वो कंडीशन नहीं पढ़ा हूं ना, मैं सिर्फ यहां पर देख रहा था ना, तो वेट तो करो यार थोड़ी देर, बहुत हड़बड़ी मचा देते हो यार कभी कभार। चलो तो यहां पर देखो हमने ये वाली कंडीशन जो सेट कर दी थी उसको हटा देते हैं, और कौन सी कंडीशन मैं सेट कर चुका हूँ, आभा और आरुषि वाली सेट कर चुका हूँ ना, इसको हटा देता हूं मैं ऐसे। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको क्या बोला गया है कि ये जो कार्तिक है, कार्तिक की अगर हम बात करें तो आभा के बगल में नहीं है, तो आभा के बगल नहीं मतलब यहां पर नहीं हो सकता, तो कहाँ कहाँ पर हो सकता है, इस चीज के ऊपर पहले ध्यान दो। ये देखो यहां पर हो सकता है, या फिर यहां पर हो सकता है, या फिर यहां पर हो सकता है, बट आपको क्या बोला, आरुषि के बगल में भी नहीं होगा कार्तिक, ये देखो आरुषि के बगल में भी नहीं है, तो आरुषि के बगल में नहीं है मतलब ये दोनों जगह गई, एक ही जगह बची ये वाली, एक ही जगह बची ना ये वाली, कार्तिक को रख दो यहाँ पर, और क्या बच गया भाई आपके पास, ये वाली कंडीशन तो हो गई, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया, एकता और आक्षी जो है ये साथ में नहीं है, एकता और आक्षी साथ में नहीं है, और क्या बोला, एकता आभा के सामने नहीं होनी चाहिए, तो एकता अगर आभा के सामने नहीं है तो एकता यहाँ पर हो सकती है या फिर यहाँ पर हो सकती है। देखो इस वाली कंडीशन को पहले सेट करते हैं, क्योंकि कार्तिक के सेकंड टू लेफ्ट, कार्तिक के सेकंड टू लेफ्ट तानिया यहाँ पर नहीं आ सकती, ना ही कार्तिक के सामने आएगी, तो तानिया के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब एकता के साथ आक्षी नहीं आनी चाहिए, ये वाली कंडीशन है, और एकता के सामने आभा नहीं आनी चाहिए, तो आभा के सामने अगर एकता नहीं है तो एकता तो सिर्फ यहीं पर आएगी ना। बचा क्या आपके पास, कौन बच गया, नितिन बचा। अब देखो ये वाली कंडीशन को देखो, एकता के साथ आक्षी नहीं होनी चाहिए, तो एकता के साथ अगर आक्षी नहीं है तो ज्योति हो गई, और ज्योति अगर उधर हो गई है तो यहाँ आक्षी हो गई, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन था। चलो ये वाला बनाओ जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट बनाओ, 5 मिनट का समय देता हूं आप लोगों को, जल्दी बनाओ, 5 नहीं 4 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। इसके बाद नहीं है स्पेशल क्लास, इसके बाद बस आज एक ही क्लास है। शाम को क्लास होनी तो चाहिए, देखते हैं, 6:30 वाली भी शायद आज होगी। स्पेशल क्लास आप डेली नहीं लेते, नहीं स्पेशल क्लास कभी कभार होती है, इस महीने ज्यादा हो रही थी तो मैंने बहुत ज्यादा ली है, वैसे कायदे से मुझे 10 लेनी चाहिए बट मैंने 30 ली है क्लासेस, इस महीने 30 क्लासेस लिया हूँ मैं, 20 क्लासेस एक्स्ट्रा लिया हूँ।
अगले महीने 10 क्लास होगी फ्री, मतलब फ्री क्लास 10 ही होती है हर महीने। इस महीने 20,000 लाइव क्लासेस का अन अकेडमी ने एक चालू किया था घर बैठे, तो इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास मैंने भी 20 क्लासेस एक्स्ट्रा ले ली। पर पॉसिबल नहीं हो पाता यार, इतना इतना क्लास ले पाना, टाइम नहीं मिल पाता है, कि ऑलरेडी 80 घंटे की क्लासेस प्लस पे लेनी होती है, उसके बाद यूट्यूब पे 10 घंटे की क्लास लेनी होती है, मॉक टेस्ट टारगेट, इतना सब मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कल भी एक या दो क्लास में लूंगा फ्री वाली, तो जरूर आइएगा, मिस मत करिएगा। फैमिली को कैसे टाइम देते, कहाँ दे पाता हूँ, इस महीने तो दे ही नहीं पा रहा, बहुत कम क्लासेस कैंसिल करनी पड़ जा रही है। SBIPO कब तक होगा? अभी 2 से 3 महीने तो कोई एग्जाम नहीं होगा। और ये अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, 2 से 3 महीने में जो पढ़ लिया वो मान के चलो कि इसी साल नौकरी ले लेगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने बना लिया होगा इस क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कैसे बनाना चाहिए। एक सिंगल पॉसिबिलिटी में ही बनाएंगे ना। 12 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर, एल एम एन जी एच एंड के आर सिटिंग इन अ रो वन फेसिंग साउथ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो रोज बना लेते हैं, तो एक ये वाली रो हो गई, एक ये वाली रो हो गई। ठीक है, तो कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहली रो वाले कहाँ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, एल एम एन जी एच के। तो आगे के जो 6 लोग होंगे, अब पी क्यू आर एस टी वी, ये सब अनदर रो 2 में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ईच फ्रेंड फ्रॉम रो 1 फेसिंग एग्जैक्टली 1 फ्रेंड इन रो 2, दे ओन डिफरेंट कंपनी कार्स, नेमली जीप, टाटा, फोर्ड, टोयोटा, जो भी नाम यहाँ पर दिए हुए हैं इनको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, पी ओन टाटा कार, पी के पास कौन सी कार है, टाटा, एंड सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो पी के पास कौन सी कार है, टाटा, और ये एंड पर बैठता है। आगे क्या बोल रहा है, एस इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एस जो है वो इमीडिएट नेबर है पी का, तो एस जो है वो इमीडिएट नेबर है पी का। ठीक है, आगे आपको बोल रहा है, एस फेसिंग द वन हु ओन निसान कार, एस उस पर्सन को फेस कर रहा है जिसके पास निसान कार है। ठीक है ना, आगे आपको बोल रहा है, टू पर्सन सिट बिटवीन वी एंड एस, वी और एस के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं, एच ओन मारुति एंड सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एच के पास कौन सी कार है, मारुति, और ये एंड पर बैठता है। द वन हु ओन निसान इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एच, निसान वाला जो है ये एच का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। जी ओन ह्यूंडई एंड सिट ऑपोजिट टू टी, जी के पास कौन सी कार है, ह्यूंडई, और ये कहां पर बैठता है, ऑपोजिट टू टी, टी के जस्ट ऑपोजिट में बैठता है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन है। क्यू सिट्स लेफ्ट ऑफ आर, क्यू जो है वो लेफ्ट में बैठता है आर के। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, वी सिट्स ऑपोजिट ऑफ द वन हु ओन शेवरलेट कार, शेवरलेट जिसके पास भी है उसके ऑपोजिट में वी बैठता है। भाई वी तो बैठा नीचे वाली रो पे है ना, इसके ऊपर में आप यहां पर लिख सकते हो शेवरलेट। आगे बोल रहा है आपको, के इज फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु हैज होंडा कार, तो के जो है वो होंडा वाले का इमीडिएट नेबर है। के इज फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु हैज होंडा कार, मतलब के अगल बगल वाले को
होंडा, देखो फिर से पढ़ते हैं इसको, के इज फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु हैज होंडा कार, तो होंडा कार जिसके पास भी है उसके इमीडिएट नेबर को कौन फेस कर रहा है, के फेस कर रहा है, तो या तो के यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। आगे बोल रहा है एम ओन जीप, एम के पास जीप है तो यहां पर लिख देते हैं एम के पास जीप है, एंड डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, और ये एंड पर नहीं बैठता। के डज नॉट फेस पी, के जो है वो पी को फेस नहीं करता, के डज नॉट फेस पी, के जो है ये पी को फेस नहीं करता। द वन हु हैज टोयोटा कार सिट्स थर्ड राइट ऑफ द वन हु हैज स्कोडा कार, द वन हु हैज टोयोटा सिट्स थर्ड राइट ऑफ स्कोडा, तो स्कोडा के थर्ड राइट में कौन है, टोयोटा। आगे आपको बोल रहा है द वन हु ओन रेनॉल्ट कार सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु ओन महिंद्रा कार, तो सेकंड लेफ्ट में है भाई, सेकंड लेफ्ट में, यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये देखो रेनॉल्ट, रेनॉल्ट वाला जो है वो सेकंड लेफ्ट में किससे, महिंद्रा से। एन डज नॉट फेस इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु हैज महिंद्रा कार, तो एन जो है इमीडिएट नेबर वाले को फेस नहीं करता, मतलब इसको एन फेस नहीं करेगा, इसको भी एन फेस नहीं करेगा। आगे बोल रहा है जी डज नॉट फेस इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु हैज स्कोडा कार, जी डज नॉट फेस इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु हैज स्कोडा कार, तो स्कोडा वाले के इमीडिएट नेबर को जी फेस नहीं करेगा। ठीक है, यही बोला है ना, खुद पजल हो जाती है, इतने सारे कंडीशन लिखे, अरे इतने सारे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रैक्टिस करोगे ना थोड़े दिनों तक प्रैक्टिस करोगे तो इतनी सारी कंडीशंस नहीं लिखोगे। इसमें जितने लोगों ने डन डन लिखा है ना, आधे से ज्यादा कंडीशन लिखने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। आप प्रैक्टिस ऐसी करो ना कि आपको इतने सारे कंडीशन लिखने की जरूरत ना पड़े, और ये प्रैक्टिस कैसे होगी, आप लिख लिख के ही प्रैक्टिस कर पाओगे, जब आपको पता चलेगा ना कि हाँ ये वाली कंडीशन को लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट सेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो चीज आपको सीखना है, उस स्टेज पर पहुंचना है। चलो तो ये सारी कंडीशंस मैंने लिख दिया भाई, अब कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं बताओ, चलो जल्दी से कौन सी कंडीशन है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। पी से स्टार्ट कर सकते हो, पी को एंड पे लेना है, लेफ्ट एंड से स्टार्ट करें, लेफ्ट एंड से स्टार्ट करें, फिंगर रूल लगा के चेक करना है, ठीक है ना, लेफ्ट एंड से स्टार्ट करते हैं भाई, कहीं से भी राइट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेफ्ट से करता हूं हमेशा स्टार्ट, इसलिए मैं लेफ्ट से कर रहा हूं। चलो तो लेफ्ट एंड से देखो, अगर आप लोग राइट से करते हो तो वो आपकी चॉइस है, मेरी हमेशा आदत है कि मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर गलत होगा तो फिर राइट से फिर से चेक करेंगे, वैसे 70% टाइम्स लेफ्ट से स्टार्ट करने से सही हो जाता है। जैसा मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था ना कि जब मिनिमम पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं उसमें हमेशा सही हो जाता है 70% टाइम्स, तो बस वैसे ही इसमें भी ये चीज है, और ये एक्सपीरियंस से आ जाएगा आप लोगों को भी, जब आप क्वेश्चंस बनाते जाओगे तो मिनिमम पॉसिबिलिटी हमेशा चेक करना, जो पिछले उसमें बताया था ना एफ वाली कंडीशन, आप हमेशा मिनिमम पॉसिबिलिटी से चेक करो, 70-80% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, आपको दूसरी पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो तो यहां पर दोस्तों लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, अगर हम पी को रखते हैं लेफ्ट में, ठीक है, तो पी को अगर मैं यहां रखता हूं तो पी के पास कौन सी कार है, टाटा, पी के बगल में है एस, एस से दो छोड़कर है वी, कौन कौन सी कंडीशन हो गई मेरी, ये वाली कंडीशन हो गई, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, ठीक है, और ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखो एस जो है वो निशान वाले को फेस कर रहा है, ठीक, एस से एक छोड़कर टी है, टी के सामने जी हुंडई है, तो टी के सामने जी हुंडई, ये वाली कंडीशन भी हो गई है, ठीक है, और कौन सी कंडीशन थी भाई, एस के सामने निशान, ये चीज तो हो गई है, यहां तक हो गया है ना, और क्या था भाई इसके बाद, देखो और क्या दिख रहा है मुझे, मुझे दिख रहा है, हाँ ये देखो क्यू और आर दिख रहा है, दोनों के दोनों नीचे वाली रो पे है ना, क्यू जो है वो आर के लेफ्ट में, आर यहाँ पर, क्यू यहाँ पर, वी को फेस कर रहा है शेवरलेट, वी को फेस कर रहा है शेवरलेट, ठीक,
ये वाली कंडीशन भी हो गई, ये वाली कंडीशन भी हो गई। एम के पास जी पे एंड पे नहीं है, टी के सामने जी होंडा ही हो चुका है, ठीक है। और कौन सी कंडीशन दिख रही है भाई आपको? एच एंड पे होना चाहिए और मारुति कार है उसके पास, एच एंड पे होना चाहिए और क्या है भाई, और कौन सी कंडीशन है? ये देखो आपको पता है ना कि एच जो है वो एंड पे है, उसके पास मारुति कार है, और एच जो है वो निसान के बगल में नहीं है, तो निसान के बगल में तो यहाँ पर एच एंड पे नहीं हो सकता, तो इसी एंड पे एच हो जाएगा। इसके पास कौन सी कार थी? मारुति। तो ये वाली कंडीशन भी हो गई आपकी, ये वाली कंडीशन भी हो गई। अब देखो भाई आपको क्या पता है, महिंद्रा के सेकंड टू लेफ्ट में रेनॉल्ट है, महिंद्रा के सेकंड टू लेफ्ट में रेनॉल्ट है, के सामने पी नहीं होना चाहिए, पी अगर के सामने नहीं होगा और होंडा वाले के अगल बगल में होना चाहिए। यार कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं यार, कमेंट क्यों रुक गए हैं? हैंग हो गया है क्या अनअकैडमी? पूरा हैंग हो गया ये तो, ना टाइमर चल रहा है ना कमेंट आ रहे हैं। हेलो हेलो, रिफ्रेश करना पड़ेगा, एक मिनट रुको। आ रही आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है लेकिन आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे मुझे। कुछ इशू होगा, चलो छोड़ो चलो छोड़ो, इशू होगा जो भी, आप लोगों को मे भी आवाज आ रही होगी, भगवान करे आ ही रही हो, क्योंकि सॉल्व कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, ध्यान से देखते जाना। अब देखो दोस्तों आपको ये बोल रहा है कि महिंद्रा का जो नेबर है वो एन को फेस नहीं करता, महिंद्रा से सेकंड टू लेफ्ट में क्या है? रेनॉल्ट है। स्कोडा वाले का जो नेबर है वो जी को फेस नहीं करता, स्कोडा वाले का नेबर जी को फेस नहीं करता, मतलब स्कोडा यहां पर नहीं आ सकता, यहां पर नहीं आ सकता, और स्कोडा से आपको पता है 2% छोड़ के टोयोटा होना चाहिए, तो आप स्कोडा को यहां पर रख सकते हो। कमेंट नहीं आ रहे यार, कैसे करें आप, क्या किया जाए इसको? चलो छोड़ो। देखो तो अब देखो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा ना, आपको जब ये चीज पता है कि स्कोडा वाले का नेबर जी को फेस नहीं करता, जी तो ऊपर वाली रो में था, मतलब स्कोडा यहां पर नहीं आ सकता, यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि इसका भी नेबर जी को फेस कर रहा है, इसका भी नेबर जी को फेस कर रहा है, इन दोनों जगह पे अगर स्कोडा नहीं आ सकता, स्कोडा से 2% छोड़ के राइट में टोयोटा होना चाहिए, स्कोडा को यहां पर रखो, 2% छोड़कर टोयोटा को यहां पर रखो, ठीक। तो ये वाली कंडीशन आपकी हो गई कि स्कोडा का नेबर जो है वो जी को फेस नहीं कर रहा और 2% छोड़कर टोयोटा होना चाहिए, ठीक, ये वाली कंडीशन हो गई। अब दोस्तों आपके पास और क्या कंडीशन बची है, ये देखो महिंद्रा का नेबर एन को फेस नहीं कर रहा, तो एन भी तो भाई ऊपर वाली रो में है ना, तो महिंद्रा नीचे में ही कहीं पर आना चाहिए जिसका नेबर जो है वो एन को फेस नहीं करना चाहिए, तो बचा क्या आपके पास? महिंद्रा से 1% छोड़कर रेनॉल्ट रखना है ना, महिंद्रा को यहां पर रखो, 1% छोड़कर ये हो गया आपका रेनॉल्ट, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई। अब देखो महिंद्रा का अगर नेबर एन को फेस नहीं कर रहा, मतलब यहां पर शेवरलेट की जगह पे एन नहीं आएगा, यहां पर एन लिख के वैसे क्रॉस कर देता हूं, एन यहां पर नहीं आएगा। अब आया कमेंट, अब आया कमेंट, क्या हो जाता है यार ये अचानक अचानक, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि M के पास जीप है और वो एंड पे नहीं आएगा, तो भाई M के पास जीप है तो या तो यहां पर रख सकते हो या तो यहां पर रख सकते हो, एंड पे तो आएगा नहीं, तो M को यहां पर रखो, जीप है इसके पास, ठीक। और आपके पास क्या बच गया भाई? K बचा था ना होंडा के बगल में, होंडा का नेबर K को फेस करना चाहिए, तो होंडा सिर्फ यहीं पर आ सकता है, और होंडा के ऊपर जाके के यहां पर नहीं आ सकता, तो के यहां पर हो जाएगा, एन यहां नहीं आ सकता तो एन यहां पर हो जाएगा, जो बच गया क्या बचा आपके पास? जी एच के एल, एल बचा था, एल को रख दो यहां पर, ये सारी चीजें हो गई, एक नाम बचा है, जो नाम बचा है भाई यहां पर रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फॉल्ट बचा था रख दो फॉल्ट, कुछ गलत है? ठीक है, तो
एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी पैरेलल अरेंजमेंट चालू करते हो तो हमेशा लेफ्ट हैंड से चालू करो, अगर आपको कुछ नहीं दिया है ना तो लेफ्ट हैंड से हमेशा चालू करो। 70 देखो मैंने आज तक जितने भी बनाए हैं, कम से कम 200 से ज्यादा बनाया होगा ये वाले क्वेश्चंस, हर बार मैंने ये चीज नोटिस की है कि 70-80% टाइम्स ऐसा होता है कि लेफ्ट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सेकंड पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सेम चीज उसमें बता रहा हूं आप लोगों को, क्या बोलते हैं, सेम चीज उसमें भी होती है। जैसे ना अगर आपको कोई फ्लोर वाला दिया ना 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो अगर इसमें मान लो अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि एफ यहां पर आना चाहिए या यहां पर आना चाहिए, तो आप हमेशा ये नीचे वाले को पहले लो, ठीक है, नीचे वाले को पहले लो फिर इसको चेक करना। और अगर आपको ऐसा कुछ देता है ना जैसे एफ और एफ, तो इसमें आप हमेशा ऊपर वाले को लेना पहले फिर इसको लेना, ठीक है। अगर नीचे नीचे दो दिए होंगे तो नीचे वाले को लो, ऊपर ऊपर दिए होंगे दो तो ऊपर वाले को पहले लो, जो टॉप से पहले पड़ जाए या बॉटम से पहले पड़ जाए, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहा होगा ना उसको पहले लेके सॉल्व करना। 70% टाइम्स होता है भाई, 20-30% टाइम्स गलत भी होता है तो आपको दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, बट हाँ पॉसिबिलिटीज रिड्यूस हो जाती हैं इससे, ठीक है। और सर्कुलर में भी एक चीज मैंने आप लोगों को बताया कि सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर इनसाइड फेस कराना है तो आप नीचे से स्टार्ट करो हमेशा, ये सर्कल है अगर इनसाइड फेसिंग है तो यहां से स्टार्ट करो हमेशा, और अगर आउटसाइड फेसिंग वाला आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो हमेशा यहां से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ये चीज स्टार्ट करते हो ना, अगर आपको पता नहीं है कि कॉर्नर पे कौन है, मिडिल पे कौन है, तो आप हमेशा इस कॉर्नर से स्टार्ट करो, जब तक पता नहीं है तो यहां से स्टार्ट करो हमेशा, ठीक है, करके देखना। 70% टाइम्स हमेशा सही होता है पहली पॉसिबिलिटी में, दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 30% केसेस हो जाते हैं कि आपको दूसरी पॉसिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।